हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रिमझिम स्टैंडर्ड थर्ड, ओपन दिस बुक चैप्टर नंबर 3, चांद वाली अम्मा, जो हमने ये स्टोरी रीड की थी कि जो अम्मा है, एक बूढ़ी अम्मा थी कि जिसने वो घर का अकेले बूढ़ी औरत क्या थी, वो अकेले घर पर रहती थी और जब वो घर के अंदर काम करती थी तो कुछ नहीं होता था, लेकिन जैसे ही वो आंगन में काम करने आती थी तो जो बादल है उसकी, जो जब वो झाड़ू लगा तब क्या करती थी, वो आसमान था वो बादल बनकर उसको चिढ़ाता था। यानी कि फिर क्या होता है कि यहाँ पे वो बूढ़ी औरत है, वो पानी कुएं में पानी भरने जाती है तो वहाँ पे इस औरतों से उसका झगड़ा हो जाता है और फिर से वो घर आती है और फिर आंगन में झाड़ू लगाती है। जैसे ही आंगन में झाड़ू लगाती है और उसे झुकती है तो आसमान फिर अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ता था। जैसे यहाँ पे वो आसमान जो बादल है वो उसको छेड़ रहा है। तो यहाँ तक मैंने आपको ये स्टोरी रीड करने को बोला था। मैं टर्न दिस पेज नंबर 20। अम्मा ने आओ खे देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी तो आसमान झट हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया और जैसे ही वो आसमान था उसको, जो बूढ़ी अम्मा थी उसको छेड़ खाने की, तो अम्मा ने क्या किया ना, ऐसे और कहीं से भी ऐसे आओ देखा न था, यानी कि इस बार या उस बार कहीं पर भी नहीं देखा और ऐसे झट से झाड़ू जो आसमान था उस पर दिखाया और जो आसमान था वो क्या होगा, जल्दी से इसे हट गया। तो देखो यहाँ पे ये पिक्चर है उसकी। फिर नेक्स्ट पेज, आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, रस्सा कसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाए, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तो देखो जैसे ही अम्मा उसको झाड़ू मारती थी आसमान को, तो आसमान ने क्या किया, ये झाड़ू है वो पकड़ लिया। यानी कि जो ऊपरी वाला हिस्सा था झाड़ू का वो आसमान ने पकड़ लिया और जो नीचे वाला जो झाड़ू जो अम्मा ने, ये बूढ़ी अम्मा ने पकड़ा है, वो पकड़ के फिर बोलती है कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। फिर जो आसमान है उसने क्या, उस झाड़ू को नहीं छोड़ा और बूढ़ी अम्मा ने बहुत ही छोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो छुड़वा नहीं पाई और वो थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाए, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो क्या हुआ फिर कि जो आसमान है वो झाड़ू नहीं छोड़ती है। देखो ये आसमान है, वो झाड़ू ऐसे ही पकड़ के फिर ऊपर चला जाता है बादलों में ऊपर आसमान। तो फिर क्या होता है कि बूढ़ी अम्मा ने इस तरह से झाड़ू पकड़ के रखा है तो वो भी उसके साथ खींची चली जाती है और जैसे जैसे आसमान ऊपर जाता है तो ये बूढ़ी अम्मा भी उसके साथ झाड़ू के साथ पकड़े हुए ऊपर चली जाती है और चिल्लाती है कि मुझे नीचे छोड़ दे। तो आसमान क्या कहता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर और आप वहाँ तुम वहीं झाड़ू लगाना। टर्न योर पेज। फिर क्या होता है, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वो बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया
झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दूँ। फिर क्या होता है कि जैसे ही जो अम्मा झाड़ू पकड़े रहती है और आसमान उसे खींचता रहता है, तो फिर वो बहुत ही ऊपर चली जाती है, तो फिर वो झाड़ू को अब नहीं छोड़ सकती, क्योंकि वो नीचे गिर जाती। तो फिर वो क्या करती है कि जैसे जैसे बहुत ही ऊपर पहुंच चुकी थी जो बूढ़ी अम्मा थी, वो फिर उसको चांद दिख जाता है। देखो यहाँ पे चांद की पिक्चर से उसको चांद दिख जाता है। फिर वो झट अम्मा जो झट से उसके पैर से उसे चांद को पकड़ लेती है और उस पर चढ़ जाती है और अपना जो झाड़ू है वो नहीं छोड़ती है। देखो यहाँ पे चांद पर ये जो बूढ़ी अम्मा है झाड़ू पकड़े हुए बैठी है। फिर आसमान क्या सोचता है कि उसको फिर शरारत करता है कि अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगी, तो मैं इसको यहाँ पे बूढ़ी औरत जो बूढ़ी अम्मा थी उसको मैं चांद पर ही रहने देता हूँ। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े ही चांद पर बैठ गई, आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। तो देखो ये कितनी अच्छी स्टोरी है कि क्या हुआ कि जो आसमान था उसने चांद को बूढ़ी अम्मा को चांद के ऊपर छोड़ दिया। और हम भी फिर क्या होता है कि बूढ़ी अम्मा ऐसे तब तक के लिए अभी तक आज तक वो हम जब भी चांद को देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि एक बूढ़ी औरत है और उसमें वो कुछ काम कर रही है। ऐसा आपने देखा होगा कि आपको जब चांद को आप देखते हो तो आपको कैसे दिखाई देता है कि एक बूढ़ी औरत है और वो वहाँ पे झाड़ू पकड़े हुए बैठी हुई है, तो आपको भी ऐसा लगता होगा। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? जो तारा निगम है उसने लिखी है। तो आपको ये पूरी स्टोरी रीड करनी है, होमवर्क रीड द चैप्टर। तो आपको ये चैप्टर पूरा का पूरा बूढ़ी अम्मा वाला है जो आपको रीड करना है।